चलो चलो अरे हैप्पी बर्थडे अरे फोन करने का एक मिनट तू भी ताले बजा मैं कैसे अरे तू हाथ लगा ना ये कौन सी आई साउंड गो देयर इज नो पॉइंट ओके 1 2 3 काट ऊपर पहले हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर बॉस भाई हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे कर रहे भाई कैंडल वेंडल गिरा दिया भाई 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 थोड़ा सा केक काट तेरे लिए वही लाया था केक ठीक से खाना तो उंगली चाट उंगली चाट आधा घंटे हो गया ठीक से चाट ऐसा अपन को ऐसे कर राइट सामने काट फट गई ये वाली निकल दी तो मैंने नहीं करी है इनको मैं पूरा फॉलो कर रहा था बॉट बोल रहा है भाई नहीं भाई ये भाई ये बोला कौन बोला एक्सेक्ट कौन बोला ये बंदा मेरे साथ है कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा कौन बोला अपनी राख से तू जाप तलाश में थैंक यू परवास की परवाह ने सी आसमा भी सर उठाएगा नहीं परवास की परवाह ने देख क्या है लाइन गाइस परवास देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा आएगा अपना टाइम आएगा मेरे जैसा शाला लाला तुझे ना मिल पाएगा हम कौन हां हां चल ले चल ले चल ले छोड़ो भैया क्या है क्या है पीछे कर रहा हूं कि मैं मरूंगा खुद से मैंने पिछले राउंड में बोला कि अरे भाई मेरा डिफेंस है ना मैं मेरा डिफेंस है सही मेरे साथ झंडे पापा खा तो सही और तभी नहीं नहीं सबसे अच्छी तरह सुशी को अजय जानता है जो तू क्या कहता है इस पे हो रहा है शक या नहीं हो रहा फिर स्किप करो अभी मेरे पास एक बंदा है जिसको जिसको सही नहीं इनको सही लगता है आज आप क्या कर रहे हो आ जाओ आज कहा था मुझे भी ऐसा ही लग रहा है नहीं हम पागल चैट हम बात करते जब तक ये नहीं होता है मेरे कोई टास्क बचे अरे भाई हाँ अभी मिल गया है वो कौन है मुझे लगता नहीं टॉप तक जाएगा उसके पहले ही वोट आउट हो जाएगा तो हम बात कर रहे निशान भाई कर जो हाय जल्दी से चोरी मेरे सामने फ्लीट में मारा है अरे आंटी आप मत करो हम कर लेंगे आप पहले बैक पेन नहीं करो ना आंटी करो बैक पेन कर लो मैं करूंगा जाओ अरे आंटी हम तो बूट कैंप पे करते हैं वैसे हां हम करते हैं अरे आंटी डोंट टेक टेंशन वी आर हियर यू गो माय डियर मैन मोचे व्हाट्स अप गाइस कैसे हो सब भाई फुल नींद से उठा दिया गया है ऐसे इधर भी बैठे अरे आंटी आप पानी बूटे लेते हुए पानी लाइव है पाजी सुन रहे नहीं है फॉलोअर पड़ा है
हैप्पी बर्थडे. अरे थैंक यू एवरीवन. तेरे को इधर तेरा इधर आने का. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन. जरूरत नहीं है समझा ना. क्या कुछ तो बोला. ऐसा ही ऐसा ही ऐसा मेरा मन हो गया तो मैं इसकी मार देगा. लाइफ का स्टोरी बताता हूँ आपको. छोटा सा स्टोरी है, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा. आई डोंट नो बोरिंग होगा तो बता देना वरना मैं बता. देखो मैं एजुकेशन स्टडी वगैरह में बिल्कुल कच्चा था. मुझे इतना कुछ नहीं आता था गाइस. मतलब ना के बराबर नहीं ना के बराबर नहीं मिडल एवरेज. एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ना, एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे. ठीक है, वैसा स्टूडेंट था मैं. और मैंने ऐसे ही मेरे दोस्तों के कहने पर मैंने MBA को एडमिशन ले लिया था. सोचा था कि MBA कर लूँगा बट नहीं हुआ. वहाँ पे क्लासेस वगैरह जाता था, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ. गेम्स में खेलता रहता था. पता है मैं MBA के क्लासेस बंक करके मतलब गेम खेलने के लिए मैं भाग जाता था. और फिर ऐसे ही गेम खेलता 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 मैंने फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. मेरा YouTube चैनल गाइस PUBG मोबाइल आई और मेरा चैनल ऐसा नहीं है. मेरा ऑलरेडी एक चैनल था जिसका नाम था अभी गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स करके, जिसका नाम था क्लैश विद क्रॉन्टन. और मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था 2015 या 2016 में. आपको जरूरी है, मैंने कभी बोला नहीं बट यस ये जानना आपको जरूरी है. पहली बात मैंने YouTube स्टार्ट किया था जब मैंने स्टार्ट किया था. ठीक है, मतलब PUBG ये जो क्रॉन्टन गेमिंग चैनल है इस पर मैंने PUBG PC स्टार्ट किया था. एक अराउंड मैंने 4 महीना PUBG PC स्ट्रीम करा था. इसके ऊपर कम से कम 1000 वीडियो थी गाइस, 1000 लाइव स्ट्रीम थी जो कि कम से कम 3 से 4 घंटे की थी. वो डिलीट कर दी मैंने बाद में जब PUBG मोबाइल स्टार्ट किया. ठीक है, PUBG मोबाइल स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो अपन अपना ये कर लेते हैं, टीम बना लेते हैं. और ये सारे स्टार्टिंग में टीम बनाई, उधर भी बूम बाम हो गया. वापस मैंने टीम बनाई, उधर भी बूम बाम हो गया. तो मतलब ऐसे ठोकरे खा खा कर बाद में मेरे को अकल आई कि यार क्रॉन्टन एक लीगल प्रोसेस भी होती है, डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें जरूरी है वरना ऐसे ही आएंगे लोग जाएंगे. तो फिर मैंने वो चीज़ करी, फिर अपनी कैरी वगैरह भाई सब आए. बाद में व्यूअर्स ने चाह इसलिए मैंने इम्यूलेटर छोड़ दिया. और मैं मोबाइल पर खेल सकता था क्योंकि मैं ऑलरेडी मोबाइल प्लेयर ही था गाइज. बट मेरे पास उस टाइम पर मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं एक आईफोन ले लूँ और मैं उससे स्ट्रीम करूँ. टू बी ऑनेस्ट गाइज, मेरा PC था, मैंने पहले PC बनाया था वो भी लोन पे. ठीक है, तो मेरे पापा ने कब बना के दे दिया था मेरे को, तो वो मैंने बनाया था वो जब PUBG PC आई थी. ठीक है, तो उसके बाद फिर फ़ोन लेना पता नहीं फ्यूचर में क्या हो क्या नहीं. तो मैं ऐसे ही खेलता था. ओप्पो का फ़ोन था मेरे पास, मेड इन चाइना, अब नहीं है, मैंने उसको बूम बाम कर दिया. तो फिर मैं खेलता था ये PUBG मोबाइल, हाँ एमुलेटर. फिर आपने सोचा इसलिए मैंने शिफ्ट कर दिया. देखो अगर व्यूज़ का होता ना गाइस, देखो व्यूज़ से मुझे फ़र्क पड़ता तो मैं कभी भी एमुलेटर बंद नहीं करता, कभी भी मोबाइल पे शिफ्ट नहीं करता. मैं दिन में कम से कम 15 घंटे खेलता था जब मैंने मोबाइल पे शिफ्ट करा था. 2 दिन में मैंने जायरो मेरा ये कर लिया था, मतलब 2 दिन में. और वो भी पॉसिबल इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे मेरे रूम पे किकी जो गॉडल किकी है और माफिया जो अपना 8-bit माफिया है वो रहते थे. तो उन्होंने मुझे बहुत फटाफट सिखा दिया था, मैं देखता था, मैं सीख गया. फिर मैंने मोबाइल पर स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी. फिर आपने चाहा ई-स्पोर्ट्स में घुस जाओ तुम, टूर्नामेंट खेलो, तो मैंने उसके लिए मेरा चैनल सेक्रीफाइस किया. टू बी ऑनेस्ट गाइज, मेरा YouTube पे इनएक्टिव रहने का रीज़न, फर्स्ट मेन रीज़न जो है वो है इंटरनेट, जो अभी सब कुछ ठीक है लास्ट 1-2 महीने से. और दूसरा रीज़न है गाइस ई-स्पोर्ट्स खेलना. मैं डेली ई-स्पोर्ट्स खेलता था, डेली मैचेस खेलता था, इधर सारे सैक्रिफाइस किया. और अब जब जाके मैं उसमें सब नॉर्मल सेट हो गया था तो PUBG बैन हो गए. तो इसलिए अभी हमारे चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है जब PUBG मोबाइल बैन हुए, क्योंकि मतलब कभी हमने ऐसा एज ए स्ट्रीमर किया ही नहीं था कुछ, समझ रहे हो.